कब तक शहर के नजदीक पहुंचेंगे? ये तो अभी कुछ पता नहीं, देखो आप कितना टाइम लगता है। कुछ तो अंदाजा होगा ना आपको? मैं अब क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे तो इंटरनेट भी बंद है, सर्विस ही नहीं आ रही उसकी। हाँ जंगल है ना, इसी वजह से तो। चले कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। पेट्रोल की टैंकी मेरी फिल करवाई है, जहाँ भी शहर आएगा तो पहुँच जाएंगे। चले ये भी सही है। फिर से दो लोग हैं और इसी तरफ आ रहे हैं। वक्त भी शाम का है और गाड़ी में पेट्रोल भी फुल है। वो तुम्हारे करीब आते ही खत्म हो जाएगा। खत्म कर देंगे या खत्म हो जाएगा बाबा, खत्म कर देंगे। आज बहुत प्यास लग रही है और अंदर की भूख भी। प्यास भर रही है तो बाबा आप पेट्रोल पी के अपनी प्यास बुझा देना। हाँ हाँ बाबा, गाड़ी इसी तरफ आ रही है, आते ही आप अपनी सांस जोर से अंदर खींचो। ओहो ये क्या हो गया? यहाँ पे तो इंजन और बैटरी दोनों ठीक है। मारिए एक दफा सेल्फ तो लगाओ। सेल्फ लगाऊं? ओ शिट, नहीं स्टार्ट हो रही। फैजान यार अब क्या होगा, रास्ते में भी देखो कोई भी नहीं है, अब हम किससे मदद मांगेंगे? यार आप परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना आपके साथ। वो एक झोंपड़ी नजर आ रही है, आओ चलते हैं वहाँ पे, मदद मांगते हैं किसी से, शायद मदद मिल जाए। चलो फिर चलना है तो गाड़ी लॉक कर दो ना। बाबा बहुत महीने हो गए, अब बस और नहीं। बाबा कुछ करो, मैं जल्दी अपने मुकाम पर जाना चाहती हूँ। बेवकूफो, तुम जानते हो जब तक कोई नया जोड़ा यहाँ नहीं आता मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा आपने एक जोड़े को यहाँ से जाने दिया था। तुम जानते हो वो दोनों बहन भाई थे। तो क्या हुआ, वो जोड़ा तो था ना। और ये जोड़ा जो आ रहा है इनका क्या करना है? मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम दोनों आराम से बैठ जाओ।
माफ़ कीजिएगा, हमारी ना गाड़ी ख़राब हो गई थी। वो तो ख़राब होनी ही थी, वरना यहाँ आता कौन है? थोड़ा पानी मिलेगा? अब तो गला भी खुश्क हो जा रहा है। आओ मैं पानी पिलाता हूँ। इन्हें बहुत जल्दी है अपने मुकाम पर जाने की। घर के अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाएंगे बेवकूफ कहीं के। जाबिर कौन आया है? एंजेलिन बताओ। बाबा ये दोनों मियां बीवी आए हैं हमें अपने मकाम पर ले जाने वाले। क्या मतलब, कौन सा मकाम? मगर हम किसे लेकर जाएंगे? हाँ इनकी तो गाड़ी खराब है। बाबा जहाँ हमने जाना है वहाँ जाने के लिए गाड़ी तो नहीं चाहिए ना? तो क्या हेलीकॉप्टर आएगा? नहीं, सफेद कपड़े और लाल रंग। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बंद करो अपनी बकवास, मैंने खुद बता दूंगा। चलो खाना खाते हैं, भूख तो लगी होगी, बहुत देर से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया। आओ मेरे साथ। बैठो मैं खाना लगाता हूँ। क्या खाएंगे? जो भी हो खा लेंगे, मगर हम पैसे देंगे खाने के। खाना जहाँ से आएगा कीमत वहाँ जाके अदा करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, हम तो जाते हुए दे देंगे। ये तो और भी अच्छा हो गया कि तुम लोग जाने को तैयार हो। तुम लोग बातें करो, मैं खाना लगवाता हूँ। अपना क्या नाम बताया था? मारिया, मारिया फैजान। फैजान ये तो आदमियों वाला नाम है। हाँ तो जाहरी बात है मेरी बीवी है, तो मेरा नाम ही साथ आएगा ना। जहाँ खाने की कीमत देने जाओ वहाँ सिर्फ अपना ही नाम बताना। मगर वो क्यों? वहाँ सिर्फ अकेला ही होता है हर बंदा। अरे बस करो यार, ड्रा क्यों रही हो? चलो भाई आ जाओ, खाना लग गया है, जल्दी करो। जी आ रहे हैं। चलो मारिया। एक मिनट, हमारे पीछे आओ। मकाम पर हमें जाना है, जल्दी हमें है। क्या बात कर रहे हो जाबिर, ये हमारे मेहमान हैं, भले थोड़ी देर के लिए इनका एहतराम करो। कोई बात नहीं, इसने कोई गलत बात तो नहीं की। अरे मारिया क्यों मामूली बहस में पड़ी हो, पहले भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और ज्यादा वेट करोगे तो पेट में कुत्ते भी आ जाएंगे और भौंकना शुरू कर देंगे। बाबा ये क्या, आप तो सच में एक कड़ी ही ले आए। तुमने खुद ही तो कहा था कड़ी खानी है। अरे पापा फिर बहस में पड़ गए हो, पहले पेट में कुत्ते, मेरा मतलब कि चूहे दौड़ रहे हैं। एंजेलिन फैजान को तो हमसे भी ज्यादा जल्दी है। कोई बात नहीं,
खाएंगे भी इकट्ठे और जाएंगे भी इकट्ठे। नई नई शादी हुई है ना। क्या है, बहन भाई जाएं तो मियां बीवी मरे? अगर मियां बीवी मरे तो बहन भाई मरे? जाओ अपने मुकाम पर वापस, ये बातें तुम्हें वहां समझ में आएंगी। चलो भाई उठो, बहुत देर हो गई। हम कब से कह रहे हैं हमें अपने मकाम पे जाना है। अब हम जाना चाहते हैं आजाद कर। इसके लिए फैजान तुम्हें कुछ अरसा मेरे साथ चौकीदारी करनी होगी, आवाज लगानी होगी। क्या आवाज? जागते रहो।